आज के वीडियो में आपको प्रियंका चोपड़ा और उनकी क्यूट सी बेटी मालती चोपड़ा के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ समय पहले ही प्रियंका चोपड़ा एक क्यूट सी डॉटर मालती चोपड़ा की मदर बनी है। आपको बताते चलें कि प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी के लिए सरोगेसी चूज की थी और सरोगेसी के थ्रू ही वो मदर बनी थी और मदर बनने के बाद उन्होंने अपने फैंस के साथ ये न्यूज शेयर की, जो कि उनके फैंस के लिए एक सरप्राइज और एक शॉक था। बट फैंस उनके बेबी के बारे में जानकर बहुत ज्यादा खुश हुए। प्रियंका चोपड़ा के बेबी के बाद से ही उनके बारे में खूब चर्चा रहती है और उनके बेटी के बारे में भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। प्रियंका चोपड़ा रिसेंटली इंडिया भी आई थी और वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर खूब इंजॉय करके गई हैं। रिसेंटली इंटरनेट पर प्रियंका चोपड़ा की एक पिक्चर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि उनकी गोद में एक क्यूट सी बच्ची बैठी हुई है, जिसने बहुत ही क्यूट पोनी टेल बना रखी है और प्रियंका चोपड़ा उसको स्पून से कुछ खिला रही हैं। और जैसे ही ये पिक्चर सामने आती है, ये बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है और बहुत सारे नेटिजन्स इस पिक्चर को कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये प्रियंका चोपड़ा की बेटी की पिक्चर है और प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी को फीड करा रही हैं और अपनी बेटी को खाना अपने हाथ से खिला रही हैं। बहुत सारे यूजर्स प्रियंका चोपड़ा की इस बात पर उन्हें बहुत ज्यादा प्रेज करते दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि आजकल बहुत कम सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जो अपने बच्चों का इस तरह से ख्याल रखती हैं और उन्हें खुद खाना खिलाती हैं या खुद उनको टाइम देती हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज तो सिर्फ बच्चे ले आते हैं लेकिन उनको संभालते बिल्कुल भी नहीं है और खुद अपने कामों में बिजी रहते हैं और बच्चों की केयर उनकी नैनीज करती हैं। बट आपको बताते चलें कि ये प्रियंका चोपड़ा की बेटी बिल्कुल भी नहीं है और ये प्रियंका चोपड़ा की बहुत ही कोई थ्रोबैक ओल्ड पिक्चर है, जिसमें वो अपनी किसी रिलेटिव की बच्ची को खाना खिलाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये उनकी बेटी की पिक्चर नहीं है, उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है और वो सिर्फ 6 मंथ्स ओल्ड है। आप प्रियंका चोपड़ा की इस पिक्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट्स में बताना न भूलिएगा।